आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। जम्मू के भालवाल इलाके से मिला पीआईए लिखा विमान के आकार का गुब्बारा, जांच में जुटी जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर के रियासी में दरिया चेनाब पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्क का निर्माण कार्य पूरा, पीयूष गोयल ने की सराहना। कश्मीर में चार दशक बाद फिर शुरू हो रहा यूनानी कॉलेज, पहले बैच के प्रवेश प्रक्रिया पूरी। अमरनाथ यात्रा के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं आतंकी, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटी एजेंसियां, लखनपुर से लेकर अमरनाथ तक तैनात रहेंगे क्यूआरटी वाहन। हीरानगर उपजेल का नाम बदला गया, जम्मू और सांबा से लाए गए 197 रोहिंग्या रखे गए होल्डिंग सेंटर में। अब खबरें विस्तार से। सोपोर के लापता युवक के परिवार ने उसे वापस घर लौटने की अपील की। आपको बता दें कि गुलाम अरमपोरा सोपोर के आदिल रहमान 18 वर्षीय पिता अब्दुल रहमान 5 मार्च से लापता हो गए। मे रोम जुम्मा दो बज शाम बगन मेहरबानी कर पसन पे मालस माज नश वापस मेहरबानी कर मेहरबानी कर मे कह तस बगर मे मज अत दरत कोर जो मे कह मे मज अत दरत कोर जो पान किराय जाय मेहरबानी कर बस अपील कर मेहरबानी कर नबी सद पास माज नबी सद पास यत मन सह वापस खुदा सद पास मन सह वापस अमिस मोल अड़कुन बन जिस मज अत दरत पान किराय जाय अमिस कुछ वापस्ती मगर शाम पर्न द्राम पाई पत् कथ कम मेहरबानी कर मे वापस मेहरबानी कर सवाल खुदा मन तन यह वापस यत तन सापस मेहरबानी कर गुजारिश कर यमिस मोन बो मेहरबानी कर मेहरबानी कर खुदा सुन सवाल दीतन सह वापस तुम वो कत जाय मेस लखन जाय मेहरबानी कर दीतन सह वापस यो द्राय शाम पर्ने और आ वापस कहें जुम्मा दो द्राय नमाज पर्ने शाम टाइम और आ वापस कहें सवाल खुदा चो नबी सद पास दीतन सह वापस दीतन सह वापस अच्छा दयो बनो पत् मेहरबानी कर दीतन सह वापस जुम्मा दो गया नमाज पर्न और न वापस कहें तो पे करा मोलू और वो मुशीद वाले ना योर आन कहें तो अत आ गर पन वापस बहुत अमस लहर मे ना बे कह सी बजी जोस पान सेहत ते ना ठीक पान। सभी जम्मू और कश्मीर पंचायत सम्मेलन के महासचिव विजय टैगोत्रा ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। विजय टैगोत्रा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि सरकार को पीआरआई के सभी तीन स्तरों को सशक्त बनाना चाहिए। सरकार को जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और अब इसका समय आ गया है जो चुनाव के वक्त सरकार ने वादे किए थे उन्हें जमीन पर उतारने के लिए बुलाई है। तो सभी हमारे पंच और सरपंच जो परेशान हैं इस वक्त, जितना भी हमारा पीआरआई के मेंबर हैं वो इस वक्त परेशानी में है कि जो डीडीसी के मेंबर्स ने जो हल्ला किया अपनी सैलरी के लिए और अपने प्रोटोकॉल के लिए, तो सभी लोगों में ये मन में एक भहम सा आ गया है कि ये सारी पावरें अपने पास रखना चाहते हैं डीडीसी वाले, तो हमारे जो पंच और सरपंच और बीडीसी के जो चेयरमैन हैं वो सभी लोग इस परेशानी में थे। तो आज सभी हमने जहां सारी पूरी यूनियन जहां हमारे इकट्ठे हुए हैं लोग, तो गवर्नमेंट को जो आगाह करना चाहते हैं कि 40,000 के जो हमारे पंच और सरपंच दो तीन बार हमारी
सरपंचों ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे, हम इलेक्शन करवाएंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने इलेक्शन का बहिष्कार किया था। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी डीडीसी को अहमियत देना चाहती हैं। वो ऐसा क्यों? वो जो पंचायत के मेंबर हैं हमारे, जो देहात में, जो गाँव में, जो देश की तरक्की, एकता और तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो सारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूँ कि जिस पंचायत लेवल के तक देख के इनको एम्पावर किया जाए और पंचों और सरपंचों की जो हानरियन बहुत कम है उनको हानरियन बढ़ाया जाए। मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल जिला शोपियान विंग ने शोपियान के दरसगा वोएन इमाम साहेब गांव में एक लिखित परीक्षा और नात प्रतियोगिता आयोजित की। शोपियान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 50 से अधिक छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि प्रतिभागियों और मेधावी छात्रों के बीच प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। आज हमारे इस बस्ती में मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट शोपियान की तरफ से एक इस्लामिक रिटन टेस्ट और नातिया मुकाबला हुआ था। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट की थी। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट शोपियां का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस तरह का इवेंट यहां पे इनकाद किया। डीसी राजौरी के सामने अपना मेमोरेंडम भी प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी मांगे पदोन्नति के आरक्षित की बहाली, एक विशेष रोजगार अभियान के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1.4 लाख से अधिक के लंबित बैकलॉग की मंजूरी, ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण के साथ मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन, ओएससी सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट एक्सेस पॉलिसी 2021-22 में एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण जैसे कि 2020 की पिछली पॉलिसी में परिलक्षित हुआ है। वक्ती सरकार जो है या यहाँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने काफी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमारे जो एसटी एससी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी के बहुत सारी डिमांड्स जो हैं वो स्टिल पेंडिंग हैं। उन डिमांड्स को लेके आज हम यहाँ डीसी साहब के यहाँ मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी सबसे बर्निंग डिमांड ये है कि 2015 से लेके आज तक हमारी जो रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन थी जो एम्प्लाइज की, वो आज तक जो है वो क्या किया उसको रिस्टोर नहीं किया गया है। ये चाहते हैं कि हमारे रिजर्वेशन इन प्रमोशन उसका रोस्टर पॉइंट जो है 2015 से पहले वाला बहाल करो, कि जैसे पहले चल रहा था ऐसे चलना चाहिए। नए रोस्टर पॉइंट से हमें नुकसान हो रहा है, हमारा समाज पीछे जा रहा है। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है हमारी जल्दी बहाल की जाए जैसे पहले चलती थी। और दूसरा यह है कि 1,04,000 पोस्ट है, बैकलॉग पोस्ट है, उसको जल्दी जल्दी फिलअप करें। इसमें हम देख रहे हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है डेड हो चुका है। जब से यूटी बनी है ये कुछ फंक्शन सही नहीं कर रहे हैं, स्लो प्रोसेस चल रहा है। हमारे यूथ जो हैं बेरोजगार हैं, पीएचडी नेट करके घूम रहे हैं, ओवरएज हो रहे हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है बहुत स्लो फंक्शन कर रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग बांदीपुरा ने मंगलवार के दिन भर कारीगर जागरूकता सह पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। नौशहरा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल भारत, भर में सभी घरों में सुरक्षित पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित कराना, उसी के चलते आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह संब्याल तथा जल विभाग के अधिकारियों ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांव-गांव और शहर में घूमकर लोगों को पानी बचाने तथा पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करेंगे। जल जीवन मिशन 2023-24 तक सभी घरों में पाइप जलापूर्ति प्रदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य का काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाटर कंजर्वेशन वीक मनाया जा रहा है, जो आज शुरू हुआ और 22 तक चलेगा, मार्च तक। और इसमें हमने चारों ब्लॉक के अंदर नौशहरा, किलादराल, लंबेड़ी और सेरी के अंदर पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस के लिए जन जन को कि वाटर कंजर्व करने के लिए कि कैसे किया जाए, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि जो पोर्टेबल वाटर है वो बहुत कम है
और लोगों को उसी बारे में अवेयर किया जाए कि ये जो पानी है इसका इस्तेमाल जो है बड़े सही तरीके से करें, इसको जाया ना करें। और जो जल शक्ति की जो JJM की जो अब स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें हर घर तक जो है वो नल से जल पहुंचाना है। ये जल जीवन मिशन जो है जो आज से 16 तारीख से 22 तारीख तक जो है वो चलेगा, और इसमें जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। जब जल जीवन मिशन में जो हमें पानी है इसका जुडिशियस यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये पानी जो है इसकी दिन ब दिन जो है समस्या जो है बढ़ सकती है। अगर हम इसका जुडिशियस इस्तेमाल करेंगे, कंजर्व करेंगे सही ढंग से, तो ये समस्या हम ओवरकम कर सकते हैं। SSP गांधरबल खलील अहमद पोसवाल JKPS केक ने डेंगनीबल में पुलिस प्रतिष्ठानों के परिसर में सिंध वन प्रभाव गांधरबल के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। DDC कुपवाड़ा इमाम दीन ने आज ग्रामीण विकास परिसर में एक दिवसीय मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मेले का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महत्वाकांक्षी हुनर कार्यक्रम के तहत किया गया था। भाजपा संगठन डॉक्टर अनीसा गुल राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना ने बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अनीसा गुल ने पवित्र कुरान के बारे में वसीम रिजवी द्वारा दी गई टिप्पणियों की निंदा करने के लिए इस बैठक को आयोजित किया था। जिला बारामूला की मुख्य महिलाओं, ब्लॉक अध्यक्षों और अध्यक्षों ने भी इस बैठक में भाग लिया। मैं यहाँ पे आज टंगमर्ग में मेरा पहली बार दौरा था। यहाँ पे मेरे आने का बस ये एक मकसद था ताकि मैं गरीबों की खिदमत कर सकूं। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की नेशनल लीडर हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ने 185 स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए रखी है। तो मेरा मुद्दा और मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये 185 स्कीम्स मेरे हर एक गरीब के घर घर और नगर नगर डगर डगर पहुंचनी चाहिए। बींग ए मुस्लिम, सबसे पहले मैं एक मुसलमान हूं, तो उसके बाद पार्टी है। पहली बात में ये इस घिनौनी हरकत के लिए, क्योंकि कुरान पाक हमारी एक अजीम किताब है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए उतना ही एक तोहफा छोड़ा है, एक अजीम किताब है। जिन्होंने इस अजीम किताब की इस तरह गंदे शब्दों में इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में रिट की, उस इंसान के लिए मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई हक नहीं है जीने का और मुसलमान नाम कहने का। सुनील डिंपल ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं व्यापारियों के साथ अम्फाला जानीपुर हाईकोर्ट रोड पर GMC PWD ERA के खिलाफ एक मजबूत विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आपको बता दें, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग की गई, साथ ही सभी सड़कों गलियों की नालियों का बुरा हाल है, कोई विकास नहीं हुआ है, ऐसा कहना है सुनील टिंपल का। जम्मू नगर निगम हाय हाय, आज आप देख रहे हैं कि कितनी माताएं बहने हमारे यहाँ पे जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोग सारे सड़कों के ऊपर है। हमारे जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हो रहा। ये जो 16 नंबर वार्ड है, कितना नंबर वार्ड है? 16 नंबर वार्ड जो है तमाम गलियों की हालत खस्ता है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उत्थान के उद्देश्य से उपायुक्त राजौरी राजेश किशवन ने मंगलवार को 900 मजदूरों के 1800 आश्रितों को छात्रवृत्ति के रूप में 83,83,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केलर में पाठ्यक्रम कम है और 5 साल पुराने हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स और फिजिक्स सहित कई सब्जेक्टों का अभाव है, जो मेडिकल के साथ साथ गैर मेडिकल छात्रों को भी प्रभावित करता है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्कूल को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और स्कूल को कोई आधुनिक स्ट्रीम प्रदान नहीं की जा रही और अधिकांश छात्रों को या तो अन्य स्कूलों में अपना दाखिला लेना होता है या फिर पारंपरिक पाठ्यक्रम में ही पढ़ना होता है। हम यहाँ कलर हायर सेकेंडरी से हैं, यहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है, न स्ट्रीम है कोई, सिर्फ लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है यहाँ पे। हम अगर आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स में स्कोप बहुत है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट्स ही नहीं है, ना इकोनॉमिक्स है, ना ज्योग्राफी है, ना एजुकेशन है, सिर्फ पर्शियन है, उर्दू है और इंग्लिश है। हमें वो लेना ही लेना है। अगर हम कोई और भी अगर हमें पर्शियन नहीं आएगा, फिर भी हमें पर्शियन ही लेना है। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे स्ट्रीम्स की बहुत प्रॉब्लम है, सो मुझे मेडिकल लेना था, बट यहाँ पे वो है ही नहीं। और अगर आर्ट्स भी लेंगे तो उसमें भी बहुत स्ट्रीम, मतलब बुक्स है ही नहीं, बस थोड़ी इकोनॉमिक्स भी नहीं है, ना हिस्ट्री है, ना पॉलिटिकल है, हम वो ले ही नहीं सकते हैं। रोजन कैलर यह कैलर तहसील, कैलर तहसील मस त हायर सेकेंडरी से पत्मे पांचतो वो पे पंचा वो पे, मगर यह बेकार कि अस बे पे पे आया रोज अगर कह बच्चे पढ़ना तमिश पे बदलन राजपुर या नाड़पुर या शोपियान मज एडमिशन कर क्या वजह ये वजह यह कि उस्ताद कमी यम सब्जेक्ट पढ़ना यमन उस्ताद यम उस्ताद अवेलेबल क्या। मिडिल स्कूल बरारीपोरा हंदवाड़ा के ग्रामीणों द्वारा कचरे की अवैध डंपिंग बढ़ गई है। हंदवाड़ा नगर पालिका उक्त क्षेत्र को साफ करती है, लेकिन सभापति नगर पालिका हंदवाड़ा से हमारा अनुरोध है कि उन व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए जिन्होंने मिडिल स्कूल बरारीपोरा हंदवाड़ा के पास रोड के दोनों किनारों पर गोबर डंप किया था। ये एक विडंबना है कि उक्त स्कूल की गंदगी अब सड़क किनारे डाली जा रही है। मैं बहुत मशहूर हूँ, चाहे आप मीडिया वालों का, मीडिया फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया है कि यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं था वो इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल बनाया है। लेकिन मेरा जो म्यूनसिपलिटी का जो इनसे तावन मिला है, वर्दी जाडियो हंदवाड़ा का जो तावन मिला है, इसके लिए हम मशहूर हैं आपके। लेकिन सर इसके साथ आपको पता है ये जो फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं, एक साइड से हमें SOP फॉलो कर रहे हैं, दूसरे साइड से सैनिटाइजर और मास्क हमें काम नहीं करेगी उतना जितना ये देखे इसके इस रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है, ये गोबर के ढेर पड़े हैं। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।